हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजिक्स पे। दोस्तों, मैं एमआई टीवी को लेकर काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं और आपके काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दे चुका हूं, पर आप में से काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है जो अलग से एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाने का। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा, तो इस वीडियो को जो एंड तक देख लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं एमआई टीवी में प्ले स्टोर एप्लीकेशन नहीं दिया गया। अगर आपको एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना है एमआई टीवी में, तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर फोन में एपीके फाइल वगैरह को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसे अपने पेन ड्राइव में कॉपी करना है। उसके बाद आप टीवी में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद आपको टीवी मैनेजर पे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉल बाय यूएसबी का। आपको इस ऑप्शन पे आना है। आने के बाद आपको यूएसबी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका पेन ड्राइव, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपके पेन ड्राइव में वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो कर देगा। आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहली बार अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर इंस्टॉल ब्लॉक दिखाएगा। आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर अननोन सोर्स को जो है अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे उसके बाद आप एप्लीकेशन को जो है बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे कॉमेंट किया था इसमें जो जियो टीवी है वो जो है अच्छे तरीके से चल नहीं रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कौन सा जियो टीवी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से चलेगा। अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पर अनइंस्टॉल ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो है आप आकर अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन वगैरह मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ उन सारे एप्लीकेशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन आपको टीवी के साथ इंस्टॉल मिलते हैं, जैसे कि मीडिया प्लेयर हो गया, सेटिंग्स हो गया, गैलरी हो गया, टीवी मैनेजर हो गया, यहाँ पर स्क्रीनकास्ट का ऑप्शन हो गया। और अगर आप टीवी को पहली बार इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर YouTube का एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली आपका जो इंस्टॉल ले लेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं ब्लू कलर का YouTube.com है। तो ये जो है टीवी का YouTube एप्लीकेशन है और ये उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है, ये काफी अटक अटक के वर्क करता है। तो मैं बोलूंगा इस टीवी YouTube एप्लीकेशन का आपको जो है यूज करने की जरूरत नहीं, आप अलग से YouTube एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। हॉटस्टार भी ये खुद ब खुद ही डाउनलोड ले लेता है। यहाँ पर पैचवाल में हॉटस्टार के कॉन्टेंट वगैरह है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हॉटस्टार जो है डाउनलोड ले लेता है। साथ साथ सोनी लिव में जो है ये खुद से ही ले लेता है, यहाँ पर सोनी लिव के जो है आप सीरियल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर बूट भी ये खुद से ले लेता है, हंगामा भी खुद से ले लेता है अगर आप उसके कंटेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर बूट, हंगामा या फिर सोनी लिव एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो जो है ये टीवी खुद ब खुद ले लेता है। हॉटस्टार भी खुद ब खुद ले लेता है। यहाँ पर प्ले एमएक्स प्लेयर मैंने इंस्टॉल किया है कुछ वीडियोस वगैरह देखने के लिए। एमएक्स प्लेयर में आप जो है काफी सारे वीडियोस प्ले कर सकते हैं, 4K कंटेंट भी प्ले कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने जियो टीवी एप्लीकेशन एक काफी कमाल का खोज के आपके लिए निकाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जियो टीवी एप्लीकेशन आपके रिमोट से कंट्रोल हो जाएगा और यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये क्रैक्ड वर्जन है। यहाँ पर ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड दिया रहता है, आपको जस्ट साइन इन पे क्लिक करना है और ये जो है साइन इन हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे चैनल आपको साइड में शो कर देता है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ कुछ चैनल आपको शो कर रहे हैं, कुछ कुछ क्या सारे चैनल ही आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा रहना चाहिए बस। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कलर्स का जो कॉन्टेंट है वो चल रहा है। अगर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाता है जियो टीवी से। तो यहाँ पर आपको सेटअप बॉक्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड है तो आप जियो टीवी एप्लीकेशन को जो है ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक कौन है इस जो जियो टीवी एप्लीकेशन है जो कि क्रैक वर्जन है, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी जो सीरियल आपके निकल जाते हैं अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो जो है प्ले नहीं होता है बाय डिफॉल्टली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अगर उड़ान पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उड़ान नहीं आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सर्च ले रहा है पर यहाँ पर उड़ान नहीं दिखा रहा है, तो ये जो है एक इसका कॉज है। यहाँ पर ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, होना चाहिए था यहाँ पर अच्छा। तो ये पहला जो है क्रैक वर्जन है, हो सकता है इसके बाद जो क्रैक वर्जन है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क करे। तो यहाँ पर मैं HBO HD पे आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे चैनल आपके चलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं HBO जो है प्ले होने लगा और यहाँ पर HBO में चल रहा है कॉन्जरिंग 2। तो यहाँ पर आप जो है काफी सारे टीवी चैनल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं।
सारे चैनल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ऊपर कैटेगरी मिल जाता है और आप इसे अपने रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। काफी मजे वाली बात है, आपको कीबोर्ड और माउस बाय करने की जरूरत नहीं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जियो सिनेमा का लिंक देकर रखा है, तो आप जियो सिनेमा भी यहाँ पर जो है बड़ी आराम से प्ले कर पाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी सारे सिनेमा दिए गए हैं, आप किसी भी सिनेमा को जो है प्ले कर पाएंगे। यहाँ पर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पर जो है कुछ कंटेंट वगैरह हो गया, तेलुगु कन्नाडा वगैरह सारे सिनेमा आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर डुबेट भी सिनेमा मिल जाता है, तो यहाँ पर आप सारे सिनेमा कंटेंट को जो है आराम से प्ले कर पाएंगे। और इसे मैंने आज दोपहर को ही प्ले किया था, बड़ी आराम से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं वॉच कॉन्टेंट दिखा रहा है। तो शाम को मेरा जो है नेटवर्क थोड़ा सा जो है स्लो चलता है, इस वजह से यहाँ पर जो है आपको उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी मैं आपको प्ले करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्ले होगा अभी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो जो है प्ले हो चुका है। और यहाँ पर आप जो है फास्ट फॉरवर्ड या फिर बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं क्लिक करके, यहाँ पर आप जो है कुछ इस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। 10 सेकेंड तक का ये फास्ट फॉरवर्ड लेता है। तो यहाँ पर इंटरनेट आपका अच्छा रहा तो ये जो जियो सिनेमा एप्लीकेशन है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क कर जाता है। यहाँ पर मूवी है, टीवीज हो गया, म्यूजिक हो गया, चिप्स हो गया और सेटिंग्स वगैरह कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर जियो टीवी सिनेमा जो है काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब आपको यहाँ पर मैं ले चलता हूँ ऐप ट्रॉयड टीवी पे, जो कि इसका प्ले स्टोर है। जहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कोई भी प्ले स्टोर नहीं दिया गया, पर आप अगर ऐप ट्रॉयड टीवी को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये जो है आपका प्ले स्टोर की तरह ही काम करता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है YouTube, जो कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने अलग से YouTube एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा था, वो यहाँ से किया था। आपको जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जो है अपडेट, ओपन, अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल है इसलिए ओपन आ रहा है, तो यहाँ पर आप चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड होने लगता है अपडेट। तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, आप नेटफ्लिक्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं गूगल क्रोम, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं गूगल क्रोम यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर गूगल क्रोम आ जाता है। आप जाए तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर भी सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं फाइल एक्सप्लोर आ चुका है। और यहाँ पर आप ईएक्स फाइल एक्सप्लोर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे एप्लीकेशन वगैरह जो इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम्स वगैरह दिया गया है, पर यहाँ पर काफ़ी सारे गेम जो है प्ले नहीं होते हैं, उनके लिए आपको प्ले स्टोर चाहिए होता है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें प्ले स्टोर नहीं है, तो काफ़ी सारे गेम वगैरह जो है इसमें प्ले नहीं होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ कुछ एप्लीकेशन मैंने जो है इंस्टॉल करके रखे हैं। तो यहाँ पर जियो टीवी, जियो सिनेमा और साथ साथ एमएक्स प्लेयर का जो लिंक है और ऐप ट्रॉयड टीवी का, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था एमआई टीवी एप्लीकेशन का एक छोटा सा रिव्यू। और एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पैच वॉल के कंटेंट में आते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको ऐप शो कर देते हैं जो कि रीसेंट ऐप होते हैं। रीसेंट ऐप नहीं, बेसिकली ये आपके शॉर्टकट एप्लीकेशन वगैरह होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ शॉर्टकट एप्लीकेशन आपका जल्दी आ जाए, जैसे कि यहाँ पर जियो सिनेमा हो गया या फिर जियो टीवी हो गया, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट पे आना है और वहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को जो है आगे ला सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जियो सिनेमा हो गया, जियो टीवी हो गया, यहाँ पर ऐप ट्रॉयड हो गया और साथ साथ यहाँ पर यूट्यूब हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशन आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप एप्लीकेशन को जो अपने शॉर्टकट में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस टीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।